जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में सम्मिलित हुए थे, तो आप सभी छात्र छात्राओं के प्रत्येक विषय में जो 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया, उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ऑफिशियल आंसर की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दिया है। 5 तक इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसको डाउनलोड करके आपको मिला लेना चाहिए कि आपका कितना आंसर वगैरह सही है। किसी प्रश्न के उत्तर पर अगर आपको डाउट है तो आपत्ति आप दर्ज कराएंगे तो उसका उत्तर सही हो जाएगा। कैसे आपत्ति दर्ज करते हैं पूरा हम लोग सीखेंगे अभी के इस वीडियो में लाइव। उसके साथ साथ मान लीजिए आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मिलाना है या आपत्ति दर्ज नहीं करना है, फिर भी आपको आंसर की एक बार लॉगिन करके अपना रोल नंबर रोल कोड, क्योंकि ये रिजल्ट का एक झलक होता है, जैसे रिजल्ट आपका चेक होगा आप रोल नंबर रोल कोड सबमिट करेंगे तो ये भी जानकारी देता है कि अगर आपका सभी डाटा सही से ओपन हो रहा है तो आपका रिजल्ट आने जा रहा है, मतलब रिजल्ट किसी कारण से आपका पेंडिंग वगैरह में नहीं गया, आप सभी जानकारी सही भरे हैं, आपका सभी डाटा बिहार बोर्ड के पास है, तो ये तमाम बेनिफिट है। तो चलिए लाइव मैं बता रहा हूँ कैसे आप चेक करेंगे। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए प्रश्न का उत्तर मिलाना है तो कैसे मिलान करेंगे। अगर किसी प्रश्न पे आपको डाउट है, लग रहा है कि बिहार बोर्ड इसका ऑफिशियल आंसर कि मैं गलत आंसर चेक कर रहा है, आप सही बनाकर आए थे, आपका एक अंक कटने जा रहा है, तो उस पर आपत्ति वगैरह दर्ज कैसे करेंगे, तो पूरा मैं लाइव सिखाऊंगा इस वीडियो में, तो ध्यान से सीखिएगा। तो इन सभी काम को करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और स्पेलिंग जो लिखा हुआ आ रहा है AR कैरियर पॉइंट, सही से स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। सबसे ऊपर देखिए इस तरह arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहां पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा और यहां पे मिल जाएगा क्लास 12 का सेक्शन, और क्लास 12 में देखिए यहां पे लिखा गया है बिहार बोर्ड इंटर ऑब्जेक्टिव आंसर की 2024, तो 12 सेक्शन में सबसे पहला जो पोस्ट है इस पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आंसर की को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा, कैसे आपको चेक करना है पूरा जानकारी है। यहाँ पे डेट वगैरह है कि कल जारी हुआ था और 5 तक इसमें आप मतलब कि आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, अपना आंसर की मिला सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, जिस भी स्ट्रीम का आपको आंसर की चेक करना है उसके सामने बने हुए क्लिक हियर पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। जिस भी स्ट्रीम का आप विद्यार्थी, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक हियर के यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि आपका सभी जानकारी ओपन हो रहा है कि नहीं, यहाँ तक आपको जरूर चेक कर लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रोल कोड, अपना रोल नंबर जो भी आपके एडमिट कार्ड पे होगा वो रोल कोड रोल नंबर सही सही यहाँ पे टाइप करके और लॉग इन बटन पे क्लिक कीजिएगा, आगे आपका पूरा जानकारी ओपन कर देगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक छात्र का यहाँ पे टाइप करके आपको दिखा दे रहा हूँ रोल कोड और रोल नंबर। जैसे ही आप सभी जानकारी सही सही टाइप करके रोल कोड और रोल नंबर सही सही टाइप करके मतलब कि यहाँ पे लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका नाम वगैरह शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम शो करेगा कि आपका मतलब कि सभी चीज़ सही है, समझिए आपका रिजल्ट आने जा रहा है। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे आपका स्कूल कॉलेज का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड रोल नंबर, इतना जरूर आपको चेक कर लेना। इससे क्या पता होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप मतलब कि एग्जाम में सम्मिलित हुए थे, आपका रिजल्ट वगैरह तैयार हो रहा है, आपका रिजल्ट मतलब कि किसी कारण से पेंडिंग वगैरह में नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए आंसर की फाइल है, नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे है सेलेक्ट विषय, ठीक है, सब्जेक्ट, तो आप किस किस विषय में के परीक्षा में सम्मिलित हुए थे यहाँ पे पूरा जानकारी ओपन हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई छात्र अगर अब्सेंट है तो यहाँ पे वो विषय शो नहीं करेगा। देखिए जैसे छात्र इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी सभी विषय का एग्जाम में सम्मिलित होता है तो सभी विषय यहां पे शो कर रहा है। तो सबसे पहले आपको अगर मान लीजिए आंसर की मिलाना है तो आपको यहां पे जो विषय लिखा है सेलेक्ट जो मतलब कि है सब्जेक्ट, तो यहां पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, जिस सब्जेक्ट के आप देखना चाहते हैं उसका यहां पे सेलेक्ट करें। मान लीजिए मुझे हिंदी का देखना है तो मैं हिंदी पर यहां पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने हिंदी पे क्लिक किया तो यहां पे देखिए हिंदी का PDF आंसर की का यहां पे ओपन कर दिया। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं ना 306 विषय कोड है हिंदी का PDF। अब यहां पे आपको जिस भी विषय का देखना है, जिस विषय का चाहिए उस विषय पे क्लिक कीजिए। मैं यहां पे अगर मुझे बदलना है तो मान लीजिए मैं हिस्ट्री पे क्लिक करूंगा तो यहां पे देखिए हिस्ट्री का ओपन कर देगा। देख लीजिए यहां पे विषय कोड चेंज हो गया, यहां पे हिस्ट्री का ओपन हो गया। इसी तरह जिस भी विषय का चाहिए वहां पे आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं इंग्लिश का देख रहा हूं तो मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया तो यहां पे देखिए इंग्लिश वाला विषय कोड यहां पे ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ओपन जो लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, मैं एक एक काम देखिए मोबाइल फोन के स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूं। तो यहां पे ओपन जो लिखा है इस पे सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पे इस तरह कुछ आएगा तो कीप जो है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे कीप पे क्लिक कर रहा है और आपके सामने ये डाउनलोड होकर देखिए पूछ रहा है कहाँ से इसे ओपन करना चाहते हैं, तो किसी भी पीडीएफ रीडर फाइल से हम लोग इसे ओपन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2024 में आर्ट्स का मैं इंग्लिश का डाउनलोड किया हूँ, सेकेंड पाली में इस छात्र का एग्जाम था और पूरा यहाँ पर आंसर की है, यहाँ पर देख लेंगे। जैसे 41 नंबर प्रश्न है और जहाँ पर लिखा है कि ए बी डी, तो इसमें क्या होगा कि जो विद्यार्थी इस तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही किए होंगे मतलब बनाए होंगे उनका चेक हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी ए बनाया है तब भी उसका सही होगा, बी बनाया है तब भी, डी बनाया है तब भी। तो यहाँ पे पूरा ऑफिशियल आंसर की आपके सामने ओपन हो गया, यहाँ पे सभी सेट कोड का है, सेट कोड बी का है, यहाँ पे पूरा मतलब कि जे तक। तो आपका जो भी सेट कोड मिला था, मान लीजिए आपका इंग्लिश का पेपर है और आपको मिला था मान लीजिए बी, तो यहाँ पे देखिए सेट कोड बी का है। हम पूरा अपना आंसर की यहाँ से मिला सकते हैं। अगर किसी भी विषय का आप चेक करें, मान लीजिए आपने प्रश्न संख्या 38 का आंसर जैसे बिहार बोर्ड बी जारी किया है और आपने सी बनाया है, आपके बनाने से नहीं, अगर आपको लग रहा है कि बुक में भी सी दिया है, बिहार बोर्ड गलती से बी जारी कर दिया है, तब इस प्रश्न के लिए आप आपत्ति दर्ज करेंगे, अपने बुक का रिफरेंस देंगे कि हाँ इस बुक के इतना नंबर पेज पे उत्तर लिखा गया था और आपने ए उत्तर चेक करें जो कि गलत है, तो बिहार बोर्ड इस पे विचार करेगा और इस आंसर को सही कर दिया जाएगा। मतलब कि आपको लग रहा है कि आप किसी प्रश्न का उत्तर सही बनाए हैं और उसका आंसर कि बिहार बोर्ड गलत जारी कर दिया है, बुक के अकॉर्डिंग वो सही आंसर आप जो बनाए हैं वही है, तब आपको मतलब कि उसका अंक मिलेगा। और मान लीजिए जिसमें कोई ऑप्शन सही नहीं यहां पर, उसका अंक सभी छात्र छात्राओं को मिल जाता है, और जहां पर तीनों ऑप्शन सही है तो वहां पर तीनों में से कोई कोई एक कलर किया होगा तो उसको अंक मिल जाएगा। यहां पर मैंने सिखाया कि आप कैसे आंसर की लाएंगे। अब मान लीजिए आंसर की मिला ली, आपको आपत्ति दर्ज नहीं करना, चलिए कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न पे आपत्ति दर्ज करना है तो यहाँ पे इंग्लिश है, मान लीजिए मुझे हिस्ट्री का देखना था, मैं हिस्ट्री पे यहाँ पे क्लिक करता तो यहाँ पे हिस्ट्री वाला ओपन करके मैंने आंसर की मिला लिया। मैं समझाने के लिए मान लीजिए हिस्ट्री का मुझे सेट कोड मिला था एच, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा एच पर सेलेक्ट कर लूंगा और एच में मान लीजिए यहाँ पे देखिए जो भी आपको मिला था ए से जे तक पूरा है, जो आपको सेट कोड के लिए आपत्ति दर्ज करना है प्रश्न का जो सेट कोड रहता है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। फिर प्रश्न संख्या के कितना नंबर प्रश्न के लिए मुझे आपत्ति दर्ज करना है, तो मान लीजिए मुझे 55 नंबर प्रश्न के लिए करना है तो मैं 55 सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, जिसके लिए करना होगा वो प्रश्न संख्या सेलेक्ट करेंगे। अब समस्या क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है कि समस्या आखिर में क्या है, मतलब कि प्रश्न गलत है कि आंसर गलत है। अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन गलत है सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे ही ये गायब हो जाएगा आपका आंसर वाला ऑप्शन। तो अगर मान लीजिए प्रश्न ही गलत पूछा था तब आप ए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना जस्टिफिक फिकेशन देंगे कि हाँ किस कारण से आप बता रहे हैं कि प्रश्न गलत है। अगर मान लीजिए उत्तर गलत था तो यहाँ पे आंसर इज रॉन्ग, उत्तर गलत है, इस पे हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि बिहार बोर्ड मान लीजिए इसका बी जारी किया था और मुझे लग रहा है बुक अनुसार सी होगा, जो भी आपको लग रहा है तो उस पर आप सेलेक्ट कर देंगे कि आपके अनुसार ए आंसर सही होना चाहिए। अब सिर्फ सेलेक्ट करने से नहीं होगा, यहाँ पे कारण में, अब कारण में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इतना मतलब कि ए बुक पे एनसीईआरटी, मतलब जो भी आप बुक पढ़े होंगे यानी कि एनसीईआरटी अदर कोई भी पब्लिकेशन का बुक, उसके इतना नंबर पेज पर इसका आंसर ए दिया है जो कि सही है और आपके द्वारा ए बी ऑप्शन मतलब कि सेट किया गया जो कि गलत है, आप एक बार बुक से मिलाकर आंसर को सही करने की कृपा प्रदान करें यहां पर लिखकर, और यहां पे सेव बटन पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है तो आपका मतलब कि यहाँ पे मैसेज वगैरह शो हो जाएगा कि आपका आपत्ति दर्ज हो चुका है। तो ऐसे आप आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं और आंसर की भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आकर जरूर अपना रोल कोड रोल नंबर डालकर एक बार लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा कि आपके आपका सभी जानकारी शो कर रहा है कि नहीं, इससे आप सेफ जोन में रहेंगे कि यहाँ आपका रिजल्ट तैयार कर रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जल्द ही जारी करेगा। तो पूरा मैं लाइव आपको प्रक्रिया सिखा दिया कि कैसे आपको आपत्ति दर्ज करना है, कैसे आंसर की मिलाना है, किसी भी विषय का देखना है तो पूरा यहाँ पर लिंक एक्टिव है। जैसे मैंने सिखाया, अगर किसी प्रश्न का उत्तर पर आपको डाउट है, लग रहा है कि हाँ बिहार बोर्ड गलत आंसर की जारी किया है तो यहाँ से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर आपत्ति नहीं दर्ज करना है फिर भी एक बार लॉगिन करके अपना सभी जानकारी चेक कर लीजिएगा कि आपका सभी जानकारी सही सही शो हो रहा है कि नहीं, और यह ऑफिशियल आंसर की है, इसी आंसर की के अनुसार आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर चेक होगा, मतलब इस आंसर की के अनुसार आपका जितना प्रश्न सही होगा उतना ही अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी इंटर के परीक्षार्थी हैं आंसर की मिलाना सीखे होंगे, कैसे आपत्ति दर्ज करना है या अपना डाटा वगैरह कैसे चेक करना है पूरा मैं सिखा चुका हूं। ए आर करियर पॉइंट सर्च करके arcareerpoint.com वेबसाइट पर आके और यहां पर क्लास 12 वाले सेक्शन में सभी काम कर लीजिए, यहां से जो भी पोस्ट लिखा है इंटर ऑब्जेक्टिव आंसर की का। ऐसा जैसे ही कोई आपके रिजल्ट को लेकर अगला अपडेट आएगा या और कोई आप जानकारी चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उस टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाकी काम यहां से आकर कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।